हमारा शास्त्र जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलता है कि यदि आपने शरीर की अवस्था के अनुसार सही मात्रा में सही समय पर और सही विधि से आप यदि जल पीते हैं तो वो आपके शरीर के लिए निश्चित रूप से अमृत है, और इसके विपरीत यदि आप बहुत अधिक मात्रा में पानी पीते हैं, गलत समय पर पानी पीते हैं, गलत विधि से पानी पीते हैं तो आपके शरीर को इतना नुकसान पहुंचाता है कि उसको शास्त्र में विष तक की संज्ञा दी गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिक पानी पीने से आपका पेट खराब हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको किडनी की बीमारियां हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अग्नि मंद हो सकती है और जिससे कि सारी बीमारियों की जो है उत्पत्ति हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पानी अधिक पीने से आपके शरीर की अग्नि मंद होती है और जिससे कोई भी बीमारी बन सकती है। तो पानी को संयम के साथ पीना चाहिए। यदि आप मुझसे पूछें कि एक स्वस्थ व्यक्ति कितना पानी पिए तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर वेदों को आधार बनाए, अपने आयुर्वेद शास्त्रों को आधार बनाए तो सुबह उठ करके आप एक गिलास गर्म पानी बहुत आराम से संयम के साथ पिए। जब आप भोजन करते हैं दोपहर में या रात्रि में तब भी आप एक कप पानी यानी लगभग 150 से 200 ml पानी जो है बहुत ही संयम से सिप सिप करके, जैसे अमूमन हम नाश्ते में चाय पीते हैं ऐसे ही आपको गर्म पानी जो है लंच के समय और डिनर के समय पानी पीना चाहिए। उसके बाद भोजन आपका सही तरह से पचता रहे उसके लिए आप भोजन जब भी करें उसके लगभग 1.5 से 2 घंटे अंतराल पे एक कप गर्म पानी, प्यास ना हो तब भी आप पीते रहे। यानी कि यदि आपने 12 बजे भोजन किया तो 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे आपको प्यास ना हो तब भी आप आधा कप से एक कप पानी जरूर पिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपका खाना जो है बहुत अच्छे से पचेगा, आपको अपच का कोई लक्षण यानी कि कब्जी गैस एसिडिटी वगैरह बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। एंड साथ में जब भी प्यास लगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पाचन की क्रिया आपके पेट में चल रही है तो प्यास लगने पर इतनी कम मात्रा यानी कि लगभग एक कप मात्रा में आपने पानी पीना है बहुत ही आराम से संयम के साथ धीरे धीरे, जिससे जो है आपकी जो पाचन की क्रिया है वो डिस्टर्ब ना हो, आपकी अग्नि मंद ना हो और ना ही आपका जो भोजन आपके स्टमक में है पेट में है वो समय से पहले नीचे जाए। अगर ऐसा होता है कि आप अधिक मात्रा में तेजी से पानी पीते हैं तो आपका भोजन जो है समय से पहले नीचे चला जाता है और कहीं ना कहीं आप अपच के शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी की मात्रा जो है उसे संयमित करें और यथा आवश्यक पानी का ही सेवन करें। कई बार हमें जो है पानी भोजन को पचाने के लिए पीना पड़ता है और अन्यथा जब भी प्यास लगे तो कम मात्रा में आप बार बार पानी पी सकते हैं, लेकिन एक साथ अधिक मात्रा में तेजी से पानी पीना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिनेश जी, फिल्म के मसले पर लौटना चाहता हूँ। हाथ जो बनकर तैयार है हमें कुछ बताइए। आज जल के बारे में बहुत सारी बातें की, फिल्म की बात कर लेते हैं। हाथ किस तरह की फिल्म है? हाथ जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक पारिवारिक पिक्चर है और एक सोशल कॉज के ऊपर है और बनकर अभी तैयार है और हम इसे सितंबर में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीज भी देरी नहीं हुई है क्योंकि फिल्म में बहुत सारे इफेक्ट्स थे, कंप्यूटर ग्राफिक्स इफेक्ट्स, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग टाइम लगा, मतलब करेक्ट सही जा रहे हैं, टाइमिंग के हिसाब से सही जा रहे हैं, तो डिले नहीं हुई। सतेंद्र जी, जी फिल्म बन के तैयार है, प्रमोशन की क्या यादें हैं, क्या क्या किया जाएगा आगे? जी फिल्म तो बन के तैयार है और हम लोग प्रमोशन के लिए काफी कर रहे हैं कि हम हर जगह जाके अपना प्रमोशन करेंगे, हर शहर में जाएंगे, हर थिएटर में जाएंगे, हर वो मीडिया आप लोग का तो आशीर्वाद प्यारा रहता ही है, हर वो हमारा जितना भी डिजिटल है हर चीज़ पे हम लोग अपना फिल्म के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और बड़े अच्छे से हम लोग फिल्म के प्रचार करेंगे, हर थिएटर में जाएंगे, हर जगह जाएंगे और हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी है। आप लोग का आशीर्वाद प्यार और हमारे दर्शकों का आशीर्वाद प्यार चाहिए। दिनेश जी, आपके पास मैं पिछली बार भी पूछा था कि दो जिम्मेदारियां, डबल रोल है, आप प्रोड्यूसर तो ही आपने रोल भी प्ले किया है, एक बार फिर से जरा ऑडियंस को कुछ बताएंगे इस बारे में। पहली पिक्चर मेरी, इसमें एज एक्टर भी हूँ प्लस प्रोड्यूसर भी हूँ, मैंने एक छोटा सा रोल किया गया, काफी अच्छा लगा मुझे और एक जो कि आगे की प्लानिंग थी उसे मैं सक्सेस बना पाया। घात तो अब आपने बताया कि सितंबर में रिलीज होगी, और क्या याद है आगे आगे कौन कौन सी फिल्में आप करने वाले हो? कि मेरी दूसरी पिक्चर आ रही है जिसका मूलत है बदले के तब्दील आ रहे हैं, जिसमें एज अ मेन लीड रोल में आ रहा हूँ। हमारी पिक्चर पिछली पिक्चर की हीरोइन रजनी मेहता भी उसमें रहेगी, सुरेंद्र सिंह है वो भी रहेंगे। रजनी जी, कैसा एक्सपीरियंस था घात करने के बाद? घात करने के बाद एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, बिकॉज जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी मूवी बने और जैसे लोगों को वो आगे चलकर पसंद आए, हमें वैसा लग रहा है कि हमारी मूवी वैसी ही बनी है और पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ उस फिल्म के साथ काम करके।
दिनेश जी ने कहा कि आगे भी फिल्म मूर्त की जाएगी और प्रहार उसका भी आप हिस्सा हो, तो एक्साइटेड तो बहुत हो गया। जिसमें सत्येंद्र जी हैं, मैं हूँ और भी काफ़ी सारे स्टार्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा हमारे मुहूर्त पे जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है। दिनेश जी, ज़्यादातर तो लोग एक फिल्म करते हैं, उसे रिलीज करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं, कमाई देखते हैं, उसके बाद दूसरी फिल्म प्लान करते हैं। आपने तुरंत दूसरी फिल्म अनाउंस भी कर दी और आपने मूर्त करने की भी आप बात कर रहे हैं। जैसे कि ऑफकोर्स एक और प्रोडक्शन आप सोचोगे कमर्शियल भी, बट एज आई टोल्ड मैं कमर्शियल कम सोच रहा हूँ। मैं अपने जो भोजपुरी जनता है मेरी, उन्हें जितना अच्छे से अच्छा हो पाए उतनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ला के देना, इसलिए मैंने वो नहीं सोचा कि एक रिलीज होगी उसका क्या है। मुझे पता है, मुझे मेरे दर्शकों पर इतना भरोसा है कि वो उसे घात को एक सक्सेस पिक्चर बनाएंगे और आती मेरी प्रहार पे जिसमें मैं खुद आ रहा हूँ तो उसे तो और डबल सक्सेस है। आपको सोचा तो है हमने कि आनंद जी करेंगे या मैंने खुद से प्लान किया था कि मैं एज अ डायरेक्टर करूँगा उसमें, बट लेट्स सी, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, वो आपको मुहूर्त में बता चल जाएगा। एक मान्यता यह है कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्म बनाई जाए तो बॉक्स ऑफिस की अच्छी कमाई हो जाती है, ए लिस्टर्स जो है दिनेश कौर या फिर खेसारी लाल के साथ। आपकी फिल्म में ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, क्या कोई खास वजह? घात में इसलिए हमने कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं लिया क्योंकि जैसे कि मैंने फर्स्ट मेरे मुहूर्त में एक इंटरव्यू दिया था मैंने और बताया था कि जिस तरह से आप एक नए कलाकार को मोल्ड कर सकते हो, आप एक पके हुए कलाकार को कभी मोल्ड नहीं कर सकते। और मेरी घात जो थी वो मेरी खुद की एक कल्पना है, वो कॉन्सेप्ट मेरा खुद का डिजाइंड है, तो वो चीज़ मैं एक जो एक्टर ऑलरेडी है उसको मोल्ड वैसा नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने नए कलाकार सोचा और जैसा मोल्ड करना मुझे चाहिए था मैंने मोल्ड किया और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। दिनेश सर जी ने तो मुझे पूरा क्या बताऊँ, जितना भी बोलूँगा कम शब्द पड़ जाएंगे। इन्होंने जो फिल्म बनाई है पूरा दिल खोल के बनाया है इन्होंने, और हर चीज़ हर वो हमारे यूनिट और टेक्नीशियन जितने भी लोग थे हमारे कलाकार थे सबको इन्होंने दिल खुश कर दिया। जो चाहिए होता है वो मिलता था, हम लोग बड़े खुश होकर काम किए। फिल्म का स्टोरी इन्हीं का था, इन्होंने मुझे मेरे में जो देखा इन्होंने बोला कि नहीं यार आप मेरी फिल्म कर रहे हो। उसके बाद इन्होंने जो भी चीज़ें हैं एक एक चीज़ अपने मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने पूरी फिल्म को ये किया है, डिजाइन किया है। फाइट भी था हमारा तो फाइट मैंने खुद एक्शन किया है, खुद स्टंट किया है। हमारे सर हमारे गुरु आनंद घटराज जी डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए, इन्होंने जो भी एक सीन लेना था मैंने कोशिश किया है और दिया है। और हमारे दिनेश जी ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारी फिल्म बनाने में। और एक भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर लोग हैं अगर इस तरह की फिल्में बनाए तो मैं कहता हूँ कोई भी आर्टिस्ट या टेक्नीशियन या कोई भी एनी वे यूनिट के लोग कभी दुखी नहीं रहेगा। आनंद सर, दो मिनट के लिए आप यहाँ नहीं थे, कहीं पानी पीने तो नहीं गए थे? हाँ, पानी पीने गया। डॉक्टर साहब अभी पानी पिया ही होंगे। देखिए मैं पानी पीने से कभी मना नहीं करता, मेरा पूरा का पूरा मकसद है कि पानी को सही मात्रा में सही समय पर सही विधि से पिया जाए। मैं पानी का विरोधी नहीं हूँ, मैं कभी यह नहीं बोलता हूँ कि पानी को आप ना पिए, तो पानी को हमें पीना सीखना है जिससे कि ये पानी जो अमृत है वो हमारे शरीर को पोषित करे, हमें नुकसान न हो। आपके हिसाब से समय सही था या गलत था इनके पानी नहीं, पानी कभी नहीं पिया। जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी पीना है, प्यास के बिना कभी नहीं रहो। समय गलत है। आप राम जी मीडिया वाले जानना चाहते हैं कि भाई सुबह सुबह गर्म पानी क्यों पिया जाए, ये इनका सवाल है जी, जिससे कि आंतों की शुद्धि हो सके। आपके सुबह का समय ऐसा होता है जब हमारी आंतें जो है उसमें कोई भोजन नहीं होता, तो आप जब गर्म पानी पीते हैं तो आपके आंतें एक तरह से शुद्ध हो जाती हैं। आपके अंदर जो है जो भी एक तरह से पानी पहुंचता है वो आपको हाइड्रेट करता है, तो वो बहुत अच्छा समय है उष्ण जल पीने का। तो इसलिए शास्त्र भी बोलता है उसे उषापान कहा गया है। तो सुबह उठ करके यदि आप एक गिलास पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर के लिए शोधन को करता है, आपके शरीर की शुद्धि करता है। सर हम सब लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कल से, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आप ये कहिए कि जब घात रिलीज होगी तो आप जरूर देखने जाएंगे।
हाँ मैं घात जरूर देखने जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रिलीज होने से पहले ही देख लूँ थोड़ा सा अगर हो सके तो उसका। हाँ लेकिन यस मेरी शुभकामनाएं जो है घात की पूरी टीम के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन इन पूरी टीम की पूरी हो और भोजपुरी सिनेमा की जो है एक अच्छी फिल्म ये घात साबित हो और इनकी अगली फिल्म प्रहार जो उन्होंने मुहूर्त करना है अगले हफ्ते उसके लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से जो है लोगों का मनोरंजन ये लोग करते रहेंगे। लोगों का जो आज सुख की कमी पड़ रही है, लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो इस स्ट्रेस को इनकी जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करेंगे, काउंटर करेंगे और लोग जो है आनंद के साथ जीवन जी पाएंगे। अनेकों शुभकामनाएं घात की पूरी टीम। और घात फिल्म आपने प्रोड्यूस किया तो ये फिल्म मेकिंग का क्या एक्सपीरियंस था आपका? फिल्म के डायरेक्टर की बात की जाए जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, उन्होंने ये सारी हिट फिल्में दी हैं, इस फिल्म का उन्होंने डायरेक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मेरी फर्स्ट फिल्म मैंने सजेस्ट की है और उन्होंने अपने डायरेक्टर जी के हाथ और बहुत वंडरफुल काम किया।